Hey guys, welcome to Desi Videshi. Whenever you travel abroad, the first thing that comes to your mind is how much will it cost? यानी कि अपनी foreign trip के लिए आपको कितना expense incur करना पड़ेगा? In this video, I have tried to cover all sorts of expenses that you might have to make during your 5-day trip to Singapore. तो आइए देखते हैं कि Singapore के एक 5-day trip को plan करने के लिए आपका minimum budget कितना होना चाहिए? नंबर वन, फ्लाइट एंड वीजा एक्सपेंसेस। सिंगापुर के लिए फ्लाइट के रिटर्न टिकट्स आपको यूजुअली 17 से 18,000 तक के पड़ते हैं, और अगर आप हॉलिडे सीजन में आ रहे हैं देन द टिकट्स कॉस्ट अराउंड 20,000 to 22,000 रुपीज पर हेड। सो लेट्स कीप फ्लाइट टिकट एक्सपेंसेस टू 22,000 रुपीज। सिंगापुर वीजा की बात करें तो अगर आप लोकल एजेंट्स के थ्रू वीजा अप्लाई करते हैं तो इसका कॉस्ट अराउंड 4,000 आता है, एंड इफ यू अप्लाई वाया ऑनलाइन थर्ड पार्टीज देन इट कॉस्ट अराउंड 2,500 रुपीज। तो इसका प्राइस डिपेंड करता है ऑन योर एजेंट, सो अभी के लिए लेट्स कीप 4,000 रुपीज फॉर दिस। आई हैव ऑल्सो अपलोडेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीजा फॉर सिंगापुर ऑन माई चैनल, डू चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। सो फ्लाइट टिकट्स एंड वीजा एक्सपेंसिस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 26,000 रुपीज। नंबर टू, अकोमोडेशन। नाउ दिस इज वेयर अ ह्यूज चंक ऑफ योर ट्रिप एक्सपेंसिस विल गो। सिंगापुर में काफ़ी तरह के अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं। बेस्ड ऑन योर बजट यू मे चूज फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस सच एज स्पॉट्स, हॉस्टल्स, बजट होटल्स एंड लग्जरी होटल्स एज पर योर कन्वीनियंस। स्पॉट्स एंड हॉस्टल्स ऑन एन एवरेज कॉस्ट अराउंड 20 to 40 सिंगापुर डॉलर्स पर नाइट। इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो एंड वॉन्ट टू सेव बिग ऑन योर अकोमोडेशन एक्सपेंसिस देन यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। बजट होटल्स स्टार्ट फ्रॉम 50 सिंगापुर डॉलर्स पर नाइट एंड प्राइसेस गो अप बेस्ड ऑन द लोकेलिटी एंड अमेनिटीज दैट दे प्रोवाइड। You can check out various hostels, spots and hotels for your stay from any online website like agoda.com, booking.com, etc. अगर ये मान के चले कि आप एक बजट होटल में बेसिक रूम लेते हैं then let's estimate your accommodation expenses to be around 70 Singapore dollars. That is 4,000 rupees per night. Number 3. Food expenses. Usually most of the accommodations provide free breakfast, but still let's calculate the food expenses considering you eat 3 times in a day. A normal breakfast in Singapore in places like Toast Box and Yakun Kaya may include bread, toast, butter, eggs and tea, and that costs just around $5 to $6. For lunch and dinner you might opt for hawker centers or some fast food centers as they have a wide variety of cuisines at affordable prices. And it may roughly cost you around $8 to $9 at max for each meal. इसके अलावा अगर आप किसी रेस्टोरेंट में लंच और डिनर करना चाहते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, अराउंड $50 to $20 पर पर्सन। आई हैव ऑल्सो मेड फ्यू वीडियोज ऑन इंडियन रेस्टोरेंट्स इन सिंगापुर, डू चेक देम आउट एज वेल। सो लेट्स टेक योर फूड एक्सपेंसिस पर डे टू बी अराउंड 30 सिंगापुर डॉलर्स, दैट इज अराउंड 1700 रुपीज। नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिस। जैसे कि मैंने अपने पहले YouTube वीडियो में बताया था, सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी चीप है। ऑल यू हैव टू डू इज बाय एन ईजी लिंक कार्ड एंड यूज इट टू ट्रैवल वाया बसेस एंड ट्रेन्स अक्रॉस सिंगापुर। यू कैन बाय दीज कार्ड्स एट एनी MRT स्टेशन फॉर जस्ट $12। द कार्ड कम्स प्री लोडेड विद $7 ऑलरेडी, सो द ईजी लिंक कार्ड इफेक्टिवली कॉस्ट यू जस्ट $5. If you are traveling to Singapore on a tight budget, then I would recommend that you only use public transport for all your commute within the country. It will not cost you more than $10 to $12 per day, irrespective of how far you go within Singapore. You may take a taxi only if you are getting really late. Singapore mein har tourist attraction bus or train service se properly connected hai, to aapko cabs ya taxi use karne ki zarurat ideally nahi padegi. लेकिन अगर जरूरत पड़ती भी है तो जस्ट लाइक इंडिया हैज ओला एंड उबर, सिंगापुर हैज एप्स लाइक ग्रैब एंड गोजेक दैट यू कैन यूज टू कॉल दीज प्राइवेट कैब्स टू योर लोकेशन। सो अज्यूमिंग यू ओनली टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर योर डेली कम्यूट, लेट्स एस्टिमेट योर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एट अराउंड $15 पर डे। नंबर 5, फोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस। द मोमेंट यू एंटर सिंगापुर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज दैट यू नीड टू हैव। As a tourist, it's very important for you to stay connected to the internet all the time. So I would recommend that either you get international roaming enabled on your current number, ya fir aap Singapore mein aate hi ek prepaid SIM le lijiye, jo ki aapki puri trip ke dauran aapka local contact number ban jayega.
buying a prepaid SIM for a short period of stay is very easy and it proves to be cheaper rather than activating international roaming on your India number. The three major telecom companies in Singapore are StarHub, Singtel and M1, and here are the plans that they offer for short stay with the validity of 7 days. इनमें से सिंगटेल का प्लान सबसे सही है बिकॉज इन $18 आपको $15 वाले प्लान के सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ में एडिशनल $3 आपको एज एन ईजी लिंक कार्ड टॉपअप मिलता है जो आप किसी भी बस या ट्रेन राइड में यूज कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज इंसर्ट द सिम फ्रॉम द मेन कार्ड इन योर फोन एंड यूज द रिमेनिंग कार्ड एज योर ईजी लिंक कार्ड. यानी कि सिंगटेल के सिम के साथ आपको ईजी लिंक कार्ड भी फ्री मिल गया एट नो एडिशनल कॉस्ट. So let's fix the phone and internet expenses at just $15 for your SG trip. Number 6, tourist attractions. Last but not the least, aate hain us point pe jiske liye aap actually Singapore ghoomne aayenge. It's tourist attractions. Singapore has a lot of beautiful attractions where you don't need to buy any tickets. But let's make a list of places which need an entrance ticket. For a 5-day trip, in my opinion, here are the places that you may cover. Universal Studios, Gardens by the Bay, River Safari, Sea Aquarium, River Cruise, Night Safari, MBS Observation Deck. ये expense totally आप पे depend करता है कि आप कितनी places cover करना चाहते हैं. Tourist attractions like Merlion on Marina Bay, Sentosa Islands, Botanical Gardens, Super Tree Show, MBS Light Show, etc. These can be explored free of cost. So I leave this expense on you. So in the end, let's summarize and calculate what should be your budget if you are planning for a 5-day trip to Singapore. Number 1, flight and visa expenses, 26,000 rupees. Number 2, accommodation, 10,000 rupees. Number 3, food expenses, 8,500 rupees. Number 4, transportation expenses, 4,000 rupees. Number 5, phone and internet expenses, 700 rupees. And number 6, tourist attraction entrance tickets, and it totally depends on you, so I have not included this in my calculation. So all this adds up to around 49,000 to 50,000 rupees. So agar tourist attractions or shopping expenses hata de, to Singapore ki 5-day trip ke liye aapka minimum budget around 49,000 to 50,000 rupees per person to hona hi chahiye. So guys, that's it from my side. अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई एक्सपेंस छोड़ दिया है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मुझे बताइए कि आपको सिंगापुर के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.